गाजियाबाद में पिछले दिनों ज्वेलरी शॉप में हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस लूटपाट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों के पास से लूट का माल भी बरामद कर दिया गया है। सर, दो लुटेरे पकड़े गए विजयनगर से, क्या मामला है? ये थाना विजयनगर के प्रताप विहार एरिया में 2 तारीख को एक सुमित ज्वेलर्स है, वहाँ पे कुछ बदमाश शिवम ज्वेलर्स है, जिसमें कि कुछ बदमाश शाम में अंदर घुस के अंदर जो सामान था वो ले गए थे। इस घटना के अनावरण के लिए थाना विजयनगर की टीम को लगाया गया था और साथ ही थाना लोनी की टीम जॉइंट ऑपरेशन में थी। उसी के क्रम में दो बदमाशों को पकड़ा गया, जिनके पास से लूटा हुआ पूरा का पूरा माल बरामद हो गया है। जो लूटी गई संपत्ति थी वो कुछ गोल्ड की अंगूठी और कान की बालियां थी। वो पूरी की पूरी ज्वेलरी जो भी लूटी गई थी वो पूरी बरामद हो गई है। पूछताछ पर इन्होंने बताया कि ये इनको पैसों की ज़रूरत थी। एक पूर्व का केस है जो थाना लोनी का था, जिसमें कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर का मर्डर हुआ था, वो इन्हीं दोनों लोगों ने किया था। उसके बाद से ये भागे फिर रहे थे और इनको पैसों की ज़रूरत थी, तो इन्होंने प्रताप विहार एरिया में एक ज्वेलर की दुकान को अपना टारगेट बनाया। इनमें से एक व्यक्ति प्रताप विहार में पहले रह चुका था और जिस दुकान में इसने घटना करी है वहाँ के लोगों को ये जानता था, इसलिए इसने उस दुकान को टारगेट बनाया और वहाँ से सामान लूट कर चला गया था। इनके पास से लूटी हुई पूरी संपत्ति, कुछ अवैध असला, एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो कि घटना में प्रयोग की थी वो बरामद हुई। सर, इनका प्रोफाइल क्या है और क्या पहले भी आपराधिक इतिहास है? इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ये गुड़गांव, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और आसपास के ज़िलों में पूर्व के भी इनके मुकदमे हैं। रंगदारी मांगने से लेकर हत्या का प्रयास करना, हत्या करना, इन सब के मुकदमे हैं।